चंडीगढ़ से एक खबर आई है। हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है, एक बड़ा एक्शन लिया गया है। करीब 372 आईओ निलंबित करने के आदेश दे दिए गए। पुलिस महकमे के लिए एक बहुत बड़ी खबर ये है, क्योंकि एक साथ 372 पुलिस कर्मियों पर ये गाज गिरी है। और खबरें अभी तक से खास बातचीत में अनिल विज ने इसकी पुष्टि भी की है। गृह मंत्री ने पुष्टि कर दी, 372 आईओ को निलंबित करने का फैसला लिया है उन्होंने। बेहतर आईओ निलंबित करने के आदेश और खबरें अभी तक से खास बातचीत में अनिल विज ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। यहां आपको बता दें कि एक साल से पेंडिंग केसों को लेकर यह कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन सामने आया है, जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल, गृह मंत्री अनिल विज अपने एक्शन और खासतौर से जो आदेश दिए जाते हैं उनकी पालना ना हो तो विज अपने पहचाने जाते हैं। और सीधे तौर पर एक बड़ा एक्शन जो है वो पूरे प्रदेश में आईओज पर इस वक्त किया गया है, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी भी और गृहमंत्री अनिल विज से जो हमारी बातचीत हुई है और जो जानकारी हमने मांगी है उसको उसके बारे में भी हम दर्शकों को बताएंगे। ये वो कॉपी है जिसमें डीजीपी को पत्र लिख करके ये कहा गया है कि जो 372 जो आईओ है जो लगातार 3229 जो शिकायतें थी उनका डिस्पोजल नहीं कर रहे थे, एक साल से अधिक समय हो चुका था और वो पेंडिंग थे। इसके अलावा भी कई बार पत्र लिख करके उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई थी लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया था। ऐसे 372 आईओज को निलंबित करने के आदेश जो है वो गृहमंत्री अनिल विज की तरफ से कर दिए गए हैं। साथ ही इनके डिस्पोजल को लेकर के जो कंसर्न डीएसपी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है और ये कहा गया है कि एक महीने के अंदर इस प्रकार के जो तमाम मामले हैं यानी 3229 जो मामले हैं उनका डिस्पोजल ये कंसर्न डीएसपी करें और अगर ये भी नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये बात भी पत्र में स्पष्ट और से लिखी गई है। अंतिम पंक्ति अगर आप पत्र की देखेंगे तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि अंतिम पंक्ति में यह दर्शाया गया है कि डीएसपीज को जो यह जिम्मा दिया गया है कि अगर एक महीने में इसका डिस्पोजल नहीं होता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अब बात आती है कि आखिर वो कौन कौन से आईओज हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, कौन कौन से जिले से संबंध रखने वाले आईओज हैं। एक लिस्ट भी हमारे पास आ चुकी है और गृहमंत्री अनिल विज का वो बयान भी हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे जिसमें वो सीधे तौर पर इस पर नाराजगी व्यक्त करते हैं। पहले हम दर्शकों को गृहमंत्री अनिल विज का वो बयान ही सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने अपने आदेशों को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी इसलिए महकमे पर ये बड़ी काज गिरी। मैं लंबे समय से अधिकारियों को जो लंबित मामले हैं उनको फाइनल निपटान करने के लिए कह रहा हूँ बार बार, और मई में हमें डिपार्टमेंट ने जानकारी दी थी कि 3229 मामले सारे प्रदेश में ऐसे हैं जिनमें एक साल से ज़्यादा हो गया और मामले का फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है। मैंने डिपार्टमेंट को लिखा था कि आप इनकी एक्सप्लेनेशन कॉल करो कि फाइनल डिस्पोजल क्यों नहीं हुआ। लोग धक्के खा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और केसेस निपटान नहीं हो रहे हैं। तो अब डिपार्टमेंट ने मुझे जानकारी दी है कि हमने एक्सप्लेनेशन कॉल की है, 372 आदमी ऐसे हैं जिनसे सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं आई है। तो ये बहुत गंभीर मामला है, मैंने इसको गंभीरता से लेते हुए 372 जो आईओज हैं, आईओ अब कोई भी हो सकता है, जो आईओज हैं उनको तुरंत निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं और कहा है कि जो उनके पास केसेस पेंडिंग हैं वो रिस्पेक्टिव डीएसपीज को दे दिए जाएं इस हिदायत के साथ कि एक महीने के अंदर अंदर उनका फाइनल डिस्पोजल होना चाहिए।